दोस्तों चलिए वेलकम टू द टेक्निकल स्टडी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोल्ड कूलिंग के बारे में, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द मोल्ड डिजाइन कोर्स। मतलब भाई हम लोग मोल्ड डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं ना, तो वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोल्ड कूलिंग। कूलिंग के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। किसके बारे में पता होना चाहिए? कूलिंग के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कूलिंग के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनको फायदा होगा जो भी ये वीडियोस वगैरह देखेंगे, राइट, है ना। तो चलिए मोल्ड कूलिंग के बारे में देखते हैं। चलिए टेल मी, मोल्ड कूलिंग बेसिकली होती क्या है, पहले तो हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मोल्ड कूलिंग, टेल मी भाई। मोल्ड कूलिंग मतलब बेसिकली हुआ कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम प्लास्टिक के किसी कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं ना, तो प्लास्टिक के कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद उसको हम लोग ठंडा करेंगे। क्यों ठंडा करते हैं भाई? उसके अंदर मेल्टिंग प्लास्टिक मटेरियल जाएगा, है ना। प्लास्टिक मटेरियल जब किसी मोल्ड के अंदर जाएगा, ये मोल्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तब इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल को जब आप डालोगे तो इसका इंप्रेशन पूरा क्रिएट हो जाएगा, भर जाएगा। उसके बाद उसके आसपास हमको क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करना पड़ेगा भाई। तो कूलिंग करके क्या करेंगे? कंपोनेंट को हम लोग ठंडा करेंगे, है ना, कूल करेंगे। जब कंपोनेंट ठंडा होगा तो कूलिंग करेंगे, तो कंपोनेंट ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा? वी गेट द डिजायर कंपोनेंट, हमको वो कंपोनेंट मिलेगा जो हम चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उसी मोल्ड कूलिंग की बात कर रहे हैं, उसी कूलिंग के बारे में, विच इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टू द मोल्ड डिजाइन। चलो भाई, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आएंगी कि भाई यहाँ पर क्या चीज हो रही है। देखो जरा भाई, 70 से लेकर 80% तक जो पार्ट होता है ना, वो मोल्डिंग साइकिल के अंदर कूलिंग का होता है। ये देखो इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये कितना परसेंटेज है भाई? 70 से लेकर 80%, ठीक है। जनरली अगर आप बोल सकते हो तो भाई 60 से लेकर 70% भी ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपोनेंट की ज्योमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? कंपोनेंट की ज्योमेट्री के ऊपर। कंपोनेंट कैसा है, बड़ा है छोटा है, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगी वो चीज, कूलिंग उसका कितना जल्दी हो जाएगा और कितना देर में होगा। अगर कंपोनेंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसका उतना ही देर में होगा, ठीक है। देखो, है ना, अगर हम लोग कूलिंग डिजाइन अगर अच्छे से करते हैं, अच्छे से यूनिफॉर्म कूलिंग करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कंपोनेंट के आसपास बिल्कुल सही तरीके से कूलिंग करेंगे, तो बिल्कुल सही टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग उसकी डिजाइन को पुअर रखते हैं, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इस तरह से करेंगे कि भाई इधर हम लोगों ने कंपोनेंट के इधर एक तरफ तो हम लोगों ने कूलिंग अच्छी दे दी, दूसरी तरफ हम लोगों ने कूलिंग को अवॉइड कर दिया, या फिर दूसरी तरफ कूलिंग जो थी हम लोगों ने थोड़ा सा पुअर टाइप की दी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा भाई? पार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मोल्डिंग जो मोल्डिंग टाइम रहेगा ना, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जब मोल्डिंग टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई? प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि भाई देखो, अगर मान के चलो 1 आवर के लिए अगर मशीन चल रही है, तो 1 आवर के अंदर कुछ ना कुछ हमको कंपोनेंट मिलेंगे। अब मान के चलो 8 घंटे तक मशीन चल रही है, तो 8 घंटे के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमको कितने कंपोनेंट मिल रहे हैं? हमको 100 कंपोनेंट मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कूलिंग टाइम ज्यादा होने की वजह से वो 100 की जगह हमको सिर्फ मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 80 कंपोनेंट, तो भाई 20 कंपोनेंट का हमको नुकसान हुआ। अब 20 कंपोनेंट का अगर नुकसान होगा, तो भाई अगर 80 की बात कर रहा हूं मैं, तो वो तो 1 आवर के मतलब वो तो 8 घंटे के वो चार्जेस लेगा वहां पर मशीन का, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, राइट और रॉन्ग। तो प्रोडक्शन कम हुआ, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो वहां पर होगा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी ना, वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रहेगी वो इंक्रीज होगी। भाई अभी क्या है, इस प्रोडक्ट को मैं 10 रुपए में बेच सकता था, लेकिन अब जब मेरा 80 कंपोनेंट निकले हैं, तो अब मुझे इस प्रोडक्ट को 12 रुपए में बेचना पड़ेगा, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्लियर हुआ। तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं, तो इस चीजों को हमको ध्यान में रखना है। भाई हमारा हमारा मोल्डिंग पूरा साइकिल टाइम को अगर हमको कम करना है ना, तो यहाँ पर कूलिंग टाइम को हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ा मेजर पार्ट है इसका, राइट। इस कारण से कूलिंग अगर हम लोग सही नहीं रखेंगे ना, तो उससे डायमेंशन में भी फर्क पड़ता है भाई, पार्ट के अंदर भी डिफॉर्मेशन आता है, इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, सरफेस क्वालिटी खराब होती है। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं कंपोनेंट के ऊपर। भाई प्लास्टिक जो कंपोनेंट रहेगा ना, सभी चीजें डिपेंड करेगी किसके ऊपर? कूलिंग के ऊपर। तो कूलिंग को हमको समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग कूलिंग बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे ना, तो हम मोल्ड डिजाइन बहुत इफेक्टिव तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो मोल्ड डिजाइन तो क्या है, गोल और कैविटी बना दो मोल्ड डिजाइन हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। विद द कंप्लीट कैलकुलेशन, इफ देयर इज नो, अगर कैलकुलेशन नहीं है, इफ देयर इज नो कैलकुलेशन, देयर इज नो डिजाइन। कैलकुलेशन अगर नहीं होगी ना, तो डिजाइन भी वहां पर पॉसिबल नहीं है, है ना। विदाउट कैलकुलेशन देयर इज नो डिजाइन, सिंपल सा गणित है भाई, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर मेरे को आपको थोड़ा कोर्स के बारे में कुछ चीज बतानी है, तो वो चीज पहले मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखा है, लाइव क्लास अटेंड करती है ना, 1 दिसंबर से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है,
8871151975, ठीक है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सिलेबस ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भाई, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको सब्सक्राइब बटन, ठीक है, इस पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। और अगर आपको कुछ एडवांस वीडियोस देखना है, शुरुआत के 5 वीडियो आपको मिल जा रहे हैं, वो अगर आपको देखना है तो आप ये बटन दिख रहा है ज्वाइन बटन, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके पर्क पे पर्क ले सकते हो भाई। उससे क्या है कि आपको कुछ देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, उससे उससे क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ पर्क ले सकते हो, जैसे अभी क्या ऑफर चल रहा है 20% है ना ऑफ चल रहा है, तो पहले बार अगर आप लोगे ना तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, तो 127 रुपीज की पड़ेगी, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है ना। एडवांस कोर्स एक्सेस ले लो, जिसमें आपको शुरुआती किसी भी कोर्स के 5 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और गोल्ड मेंबरशिप आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है ना, ये ले सकते हो, तो इसमें आपको जितने भी उसके अंदर लेक्चर्स आएंगे ना, वो चीजें आपको एडवांस करेगी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि भाई जो मोल्ड जो हम लोग कोर्स कराते हैं वो कोर्स से डिफरेंट है, लेकिन हाँ वो जो रहेंगे वो थोड़ा सा एडवांस रहेंगे, तो हाँ मेंबरशिप से आपको फायदा जरूर रहेगा, लेकिन कोर्स के जो वीडियोज रहेंगे, कोर्स की जो चीजें रहती है, वो कंटेंट थोड़ा सा अलग है, वो एडवांस लेवल का है, राइट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है educationwood.com, ये हमारी क्या वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाओगे ना तो आप जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हो परचेस कर सकते हो। लाइव कोर्स मोल्ड डिजाइन का ज्वाइन करना है भाई, कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, 2 दिन का मैं लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा पहले, आपको अगर अच्छा लगता है तो आगे की फीस पेड करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन 1 टाइम में चाहिए, जो कि बिल्कुल सेम रहेगा लाइव कोर्स की तरह, लेकिन उसमें सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं रहेगी, तो रिकॉर्डेड सेशन पे क्लिक करके आप इसको ले सकते हो, तो ये 7500 रुपीज का रहेगा, ओके। यहाँ पर एक डेमो लेक्चर भी दिख रहा है भाई, उसको देख सकते हो, है ना। एन एक्स ग्राफिक्स का कैड कोर्स ले सकते हो भाई, कैड कोर्स इंपॉर्टेंट है, कैड कोर्स की अगर आपको नॉलेज है, कैड सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाते आता है कोई सा भी सॉफ्टवेयर, तो आप मोल्ड डिजाइन को कर सकते हो, प्रेस्टोर को कर सकते हो, HBDC को कर सकते हो, किसी भी कोर्स को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द कैड कोर्स, ओके। प्रेस टूल डिजाइन का कोर्स अवेलेबल है भाई, प्रेस टूल डिजाइन का कोर्स, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सेशन में है, लाइव सेशन में मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप इसको 1 टाइम में ले सकते हो, पूरा कोर्स का सिलेबस और कंटेंट आपको सभी चीज यहाँ पर मिल जाएगी, उसको देख सकते हो और परचेस कर सकते हो, ठीक है। HPDC का कोर्स अभी जस्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो भाई ये जस्ट अभी आने वाला है, उसके बाद फिर हमारा जिगन पिक्चर का कोर्स है, ये भी मैं आपको देने वाला हूँ कुछ टाइम में, ठीक है, 1 महीना लगेगा इसको भी, आपको ये भी मिल जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स भी अभी कमिंग सून है, ठीक है, ये सभी कोर्सेस आने वाले हैं, तो भाई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई हमारा, ठीक है, ये जरा कोडिंग सिस्टम है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये चीज क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमको कोडिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है, समझ लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर हमको है ना एक साइकिल टाइम दिख रहा है, पूरा कंप्लीट साइकिल टाइम दिख रहा है। साइकिल टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर द मोल्ड क्लोज। देखो बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले मोल्ड क्लोज हुआ, जब मोल्ड क्लोज हुआ उसके बाद हुआ फील पार्ट, पार्ट मतलब वो इंप्रेशन के अंदर क्या हुआ, मटेरियल फील हुआ, है ना, तो इसका पोर्शन देखो इतना है, बेसिकली क्या है साइकिल टाइम है पूरा, है ना। मोल्ड ओपन होता है, क्लोज होता है, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है वो सब चीजें बता रहा है इसके अंदर, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद है पैक एंड होल्ड, मतलब उसको क्या करेगा, क्लैंपिंग फोर्स जो रहेगा, हमारी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रहेगी वो उसको होल्ड करके रखेगी, पैक करके रखेगी, है ना। उसके बाद चलेगा कूलिंग टाइम, देखो कूलिंग टाइम सबसे बड़ा है, कूलिंग टाइम चलेगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी कमी लाए ना, थोड़ी सी अगर कमी लेके आए तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सारा बढ़ जाएगा भाई। हम लोग अगर 100 कंपोनेंट निकालते हैं ना तो 120 कंपोनेंट हो जाएंगे, 130 कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, तो वैसी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो मोल्ड फिर से ओपन हुआ, मोल्ड ओपन हुआ, ठीक है, पार्ट इजेक्शन हुआ, मोल्ड ओपन में देखो कितना कम समय लगा, फिर पार्ट इजेक्शन में भी थोड़ा सा समय लगा, इजेक्ट करने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर से मोल्ड क्लोज हो गया, फिर से ये साइकिल रिपीटली चलती जाएगी, ठीक है। तो भाई ये है हमारा साइकिल टाइम, इसमें हमको टाइमिंग कम करना है, जितना ज्यादा टाइमिंग कम करोगे उतना प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, मतलब प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो फैक्टर दैट मैटर द कूलिंग इफेक्टिव, भाई कूलिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला क्या है भाई, प्लास्टिक का वॉल थिकनेस, भाई जो भी हमारे पास कंपोनेंट अवेलेबल है उस कंपोनेंट का वॉल थिकनेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट, तो इसका वॉल थिकनेस कितना है, वॉल थिकनेस मतलब क्या होता है भाई, इतना तो समझ में आना चाहिए क्या होता है वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस मतलब इसकी मोटाई, इसका मोटाई, इसका थिकनेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल इसका थिकनेस है 1 mm, तो यहाँ पर वॉल थिकनेस अफेक्ट करेगा वो कैसे, कि यहाँ पर पता चल रहा है मुझे 1 mm वॉल थिकनेस है, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि भैया 2 mm वॉल थिकनेस है, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि 1.5 वॉल थिकनेस है,
तो ये क्या है, ये क्या यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस नहीं है भाई, एक जैसी वॉल थिकनेस नहीं है, तो इसके कारण से क्या होगा, कूलिंग इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं कूलिंग पाइप अगर यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा तो ये वाला जो 1.5 वाला है और जो 1 mm वाला है ये पहला ठंडा हो जाएगा और ये 2 mm वाला है ये बाद में ठंडा होगा भाई, तो क्या होगा प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर डिफेक्ट होगा भाई। ये मान के चलो 3 सेकंड में हो जाता है ठंडा, ये कितने में होगा, 1 mm वाला ये 2 सेकंड में हो जाता है भाई, इसको लगेगा 5 सेकंड, क्यों 2 mm है, इसको लगेगा 5 सेकंड, तो क्या हुआ भाई मुझे 5 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ठंडा हो चुका है, ये भी ठंडा हो चुका है, लेकिन एक जैसा वॉल थिकनेस होता तो एक बार में हो जाता, राइट, ठीक है। तो कूलिंग टाइम हमारा बढ़ रहा है, तो कूलिंग टाइम हमारा बढ़ना नहीं चाहिए, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। उसके बाद है कूलिंग लाइन लेआउट, भाई कूलिंग लाइन लेआउट मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मेरा ये कंपोनेंट है, ये रहा मेरा कंपोनेंट है, और मोल्ड वाला पोर्शन भी बना देता हूं मैं, ठीक है, चलो मोल्ड वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये ग्रीन कलर का मैं मोल्ड बनाया था। अब मैं इसके अंदर कूलिंग लाइन ले रहा हूँ, जरा देखिएगा कूलिंग लाइन, तो कूलिंग लाइन कौन से कलर से ले ले भाई, कूलिंग लाइन हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर से, ठीक है, ठंडा होता है ना भाई पानी, तो ब्लू कलर से ले लेते हैं। तो मैं इसके अंदर कूलिंग लाइन दे रहा हूँ, देखो ये कूलिंग लाइन इस तरह से ली मैंने, इस तरह से कूलिंग लाइन ले ली, ओके। अब कूलिंग लाइन के अंदर मान के चलो मैंने क्या है, इसके अंदर डिस्टेंस कम ज्यादा कर दी है, अभी कूलिंग लाइन बिल्कुल सही दे रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल एकदम इफेक्टिव कूलिंग रहे इस कारण से, ठीक है। तो मान के चलो ये रहा मेरा एंट्री पॉइंट, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से ये कनेक्टेड हो जाएगा पाइप, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से भी कनेक्टेड हो जाएगा पाइप, फिर यहाँ से भी कनेक्टेड हो जाएगा पाइप, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा एग्जिट, यहाँ से क्या हुआ एंट्री, यहाँ से इनलेट हुआ और यहाँ से क्या हो गया आउटलेट हो गया। तो बेसिकली ये क्या है इफेक्टिव कूलिंग, क्योंकि एक पाइप से लेकर दूसरे पाइप तक की जो दूरी है बिल्कुल सेम है, फॉर एग्जाम्पल 25 mm की दूरी है, 25 mm की डिस्टेंस है, तो भाई 25 mm की दूरी बिल्कुल सही है, यहाँ से भी 25 mm की है, यहाँ से भी 25 mm की है, जिसके कारण ये वाली कूलिंग बिल्कुल सही है। इफ द कंपोनेंट वॉल थिकनेस इज यूनिफॉर्म, अगर कंपोनेंट की वॉल थिकनेस यूनिफॉर्म है ना तो बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ। तो भाई कूलिंग लाइन का लेआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर हुआ। तो कूलिंग लाइन हमको किस तरह से, ये मैंने आपको क्या बताया भाई, एक ये इनलाइन कूलिंग है, कैसा है इनलाइन कूलिंग, एक लाइन में कूलिंग करके बताइए मैंने आपको कि सिंपल सा इस तरह से कूलिंग आप लोग कर सकते हो किसी भी कोर और कैविटी के अंदर, कोई अगर आपके पास कोई बड़ा सा कंपोनेंट तो उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद है कूलिंग सिस्टम डिजाइन के कुछ रूल्स, ठीक है, कूलिंग सिस्टम डिजाइन के कुछ रूल है, चलो भाई क्या रूल है वो देख लेते हैं जरा, क्या क्या रूल है भाई। चलो यहाँ पर देखो, कूलिंग सिस्टम को जब हम लोग डिजाइन करते हैं ना तो कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए भाई। देखो हमको इंश्योर करना चाहिए कि भाई जो हमारा कूलिंग का जो शॉर्ट डिस्टेंस है ना वो शॉर्ट रहे भाई, जैसे कूलिंग है मान के चलो, तो भाई हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगर ये वाला कंपोनेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ से ये मुड़ जाए और यहाँ से फिर इस तरह से मुड़ जाए और ये इस तरह से ऐसे करके कूलिंग हो, ठीक है, जिससे क्या इसको कम पाथ मिले है ना, लेकिन इफेक्टिव कूलिंग हो। अब पता चल रहा है कि भाई मोल्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और यहाँ से ये वो मूव कर रहा है और ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो भाई टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा और हमको ड्रिल वगैरह भी करना पड़ेगा, ड्रिल तो वैसे मशीनिंग वगैरह करना पड़ेगा हमको, राइट। तो बेसिकली हम सोचते हैं कि उसका जो जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा शॉर्ट पाथ हो, ठीक है, शॉर्ट पाथ हो तो उससे क्या है हमारा क्वालिटी पार्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये कोशिश करेंगे, है ना। तो ये एक लॉ है, एक नियम है, थंब रूल है, समझ लो ऐसा, है ना। सेकंड जो पॉइंट है वो है इंश्योर यूनिफॉर्म कूलिंग टू अवॉइड डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसके भाई है ना दो पॉइंट हो सकते हैं, यूनिफॉर्म कूलिंग, भाई यूनिफॉर्म कूलिंग इन द सेंस कि अगर मेरे पास कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है उसकी वॉल थिकनेस बिल्कुल सही है, वॉल थिकनेस बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कूलिंग दिया है, अगर मैंने इसके अंदर कूलिंग दिया है तो एक कूलिंग मैंने यहाँ दिया, दूसरा कूलिंग मैंने यहाँ दिया है, तीसरा कूलिंग मैंने यहाँ दिया है, चौथा कूलिंग मैंने यहाँ दिया है, सब डिस्टेंस बराबर है, क्लियर है, यहाँ से भी सब डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो मैंने कूलिंग दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल है 20 mm, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने 10 mm रखी है, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, भाई यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं कहलाई वो, है ना। अब ये यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं कहलाई तो क्या होगा, ऊपर का जो पार्ट है वो देर में ठंडा होगा, नीचे का पार्ट जो रहेगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो ऊपर का पार्ट गर्म रह जाएगा, जहां पर हॉट साइड होगा वहां पर क्या हो जाएगा उसको वो कंपोनेंट मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉरपेज डिफेक्ट हो जाएगा, वॉरपेज डिफेक्ट मतलब मुड़ गया है कि नहीं। अब मुड़ गया तो क्या होगा भाई, भाई कंपोनेंट हमारा सही नहीं निकलेगा तो कूलिंग का क्या मतलब रह गया, है कि नहीं भाई, पार्ट विल बी द रिजेक्टेड,
पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई मतलब नहीं मोल्ड बनाने का आपका, मत बनाओ, है कि नहीं? नहीं भाई, बनाओ बनाओ, डिजाइन करो भाई, ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, उसके बाद है इजी मैन्युफैक्चरिंग। भाई हम लोग डिजाइन करने को तो भाई कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, डिजाइन करने को तो भाई हम आयरन मैन का सूट भी बना देंगे, लेकिन मुझे बताओ कि वो बनाना पॉसिबल है क्या? भाई चीज बनाना पॉसिबल होना चाहिए, है ना, इजी शुड मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इजी होना चाहिए, शुड बी फेजिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो भाई हम लोग जो भी डिजाइन कर रहे हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग में इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं पता चल रहा है कि हम लोग बिल्कुल एकदम इस तरह से कर्व क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग में बना ही नहीं पा रहे। बीएमसी पे जब हम उसको लगा रहे हैं तो हम लोग बीएमसी पे उसको काट ही नहीं पा रहे, पता चल रहा है इतने एंगल इतने कर्व हैं कि हम उसको बना ही नहीं पा रहे, है ना। तो वो भी चीज फेजिबल नहीं है भाई। भाई बहुत अच्छा डिजाइन करा है, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से वो इजी होना चाहिए, वो मशीन पे फिट होना चाहिए, बीएमसी से सीएनसी सब उसको काट सकते हैं, ऐसी चीज हम लोगों को डिजाइन करके, क्लियर हुआ। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलिंग की कैलकुलेशन के बारे में बात करें थोड़ा सा, चलो कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो कैलकुलेशन बेसिकली ये है कि वो वॉल थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट की वॉल थिकनेस 0 से लेकर 2 एमएम तक की है ना, तो आप 4 से लेकर 8 एमएम तक का कूलिंग पाइप ले सकते हो, 4 से लेकर 8 एमएम तक का कूलिंग पाइप ले सकते हो, क्लियर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द होल्स, चलो होल्स के बीच में डिस्टेंस, मतलब अगर मेरे पास ये कंपोनेंट है, ये मेरे पास कंपोनेंट है भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये कंपोनेंट मेरे पास है, तो भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल इसकी वॉल थिकनेस कितना है, 2 एमएम, तो 8 एमएम का चलो मैंने पाइप ले लिया, ये रहा 8 एमएम का पाइप, है ना। तो 2 into a, तो 2 into 8 कितना हो गया भाई, 16। तो यहां से फेस तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितनी होगी, 16 होगी, 16 होगी, क्लियर है। एक से लेकर यहां पर भी मैं वही वाली चीज कर रहा, यहां पर भी मैंने वही चीज करूंगा, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द होल, भाई सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल, ये भी कितना होगा, 16 होगा। कैविटी के फेस से जो डिस्टेंस होगा, ये रहा सेंटर, सेंटर ऑफ द होल टू द कैविटी फेस, तो कैविटी फेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 16 होगी, और एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक के बीच की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, 16 होगी, 16 होगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है कि भाई बेसिकली क्या होता है, वो प्रोडक्ट की वॉल थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। भाई प्रोडक्ट की वॉल थिकनेस अगर मान के चलो 0.5 mm है, तो मैं 8 mm का पाइप थोड़ी ना लूंगा, मैं 4 mm या 6 mm का पाइप में मेरा काम चल जाएगा, 4 mm का पाइप लूंगा और मैं उसको कूलिंग कर दूंगा, भाई कंपोनेंट जितना पतला रहेगा उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। चलो 2 से लेकर 4 mm तक का अगर पार्ट होगा, तो हम लोग उसे 8 से लेकर 12 mm तक का डायमीटर लेंगे, है ना। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द होल 2 into a वाला फॉर द इफेक्टिव कूलिंग, यहाँ पर हम लोग 2 into a कर देते हैं, ठीक है, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल टू द कैविटी, भाई एमएम में डायमेंशन है ये याद रखिएगा, नहीं तो हम लोग इंचेस में कर रहे हो तो कंफ्यूज नहीं करने का, ठीक है, हम लोगों को एमएम में बात करनी है तो हम लोग एमएम में बात करेंगे, ओके, चलो क्लियर हुआ। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको थंब रूल भी आप बोल सकते हो, तो इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ना। चलो अब क्या करते हैं भाई, अब थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, कूलिंग कितनी तरह की होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, चलो समझ लेते हैं भाई। देखो कूलिंग, अगर मैं बात करूं कूलिंग के बारे में, तो कूलिंग बेसिकली ट्रेडिशनल कूलिंग होती है एंड एक कन्फॉर्मल कूलिंग होती है। ट्रेडिशनल कूलिंग में मतलब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी प्लेट के अंदर क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, ये प्लेट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से मैंने इसके अंदर ड्रिल करा, यहाँ से ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ड्रिल कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और ये यहाँ तक इसने ड्रिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर एक और ड्रिल करा, ठीक है, उसके बाद क्या करा, एक और ड्रिल करा भाई, ये ट्रेडिशनल कूलिंग है, ठीक है, और एक और ड्रिल कर दिया इस तरह से, देखो क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब मेरा जो कंपोनेंट है ना, वो कंपोनेंट मेरा यहाँ पर है, देखो भाई मेरा कंपोनेंट जो है वो है यहाँ पर, ओके, देखो ठीक है, ये डॉट डॉट करके मैंने कंपोनेंट को बना दिया है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, है ना, चलो देखो, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैंने यहां से भी एक ड्रिल करा और मैंने इसको इधर रख दिया, और यहां से भी मैंने एक ड्रिल कर दिया, मैं सिर्फ दो ही ड्रिल कर रहा हूँ ना, दो ही ड्रिल कर रहा हूँ, चलो ये कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर मैं इसको कूलिंग प्रोवाइड कराना है, अब देखो क्या करूंगा मैं कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए, भाई मैंने इसको यहां से इनलेट दिया, यहां से इनलेट दिया, ठीक है, अब ये कूलिंग यहां पर जाएगा, ठीक है, यहां पर कूलिंग जाएगा, उसके बाद ये कहां से मुड़ जाएगा भाई, यहां से मुड़ जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये यहां से मुड़ जाएगा, ओके, ठीक है, फिर ये यहां से आ रहा है फॉर एग्जांपल, फिर ये इधर जाएगा और फिर ये यहां से मुड़ जाएगा, ओके, फिर इसके बाद ये इधर मुड़ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ भाई,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ड्रिल करा था, ये भी ड्रिल करा, ये भी ड्रिल करा, ये भी ड्रिल करा, ये भी ड्रिल करा, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं कुछ स्टॉपर लगा दूंगा जिसको प्रेशर प्लग बोलते हैं भाई, यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ एमएस के ब्लॉक होंगे, एमएस के सिलेंड्रिकल ब्लॉक होंगे, वो ठोक दूंगा, है ना, इसके अंदर भाई मैंने इसको ठोक दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे को एक पाथ मैंने इसका चेंज कर दिया, पाथ मैंने चेंज कर, यहाँ से मैंने डाला पानी तो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, और इस तरह से मैंने इसको बना दिया, जिसके कारण क्या हो गया, मेरे को एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, ठीक है, जिसके कारण से हमारी कूलिंग क्या होगी, इफेक्टिव कूलिंग होगी। तो इसको बोलते हैं इनलाइन कूलिंग, या फिर इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कूलिंग मेथड। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कॉन्फॉर्मल कूलिंग के बारे में। भाई कॉन्फॉर्मल कूलिंग क्या है भाई, नाम से थोड़ी सी खतरनाक लग रही है ना, तो देख लेते हैं भाई है भी खतरनाक, क्योंकि भैया मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से थोड़ा सा मुश्किल होती है। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास अगर कोई कंपोनेंट है ना, तो ये कंपोनेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कंपोनेंट की ज्योमेट्री को फॉलो करता है, कंपोनेंट की ज्योमेट्री को ही ये कूलिंग फॉलो करेगा, लेकिन इसको हमको दो पार्ट में बनाना पड़ता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कठिन होती है कॉन्फॉर्मल कूलिंग की। अब मैन्युफैक्चरिंग कठिन होगी तो भाई क्या होगा, क्या होगा, हमारा मोल्ड महंगा हो जाएगा, जहां पर वो 2 लाख का मोल्ड बनने वाला था ना, वही मोल्ड कितने का बनेगा, वही मोल्ड बनेगा 5 लाख का, है ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, बिकॉज ऑफ द कन्फर्मल कूलिंग, क्योंकि उसके अंदर मशीनिंग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, हमको 4 एक्सेस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है कि नहीं, वैसी चीजें हैं। तो बेसिकली इसलिए हम लोगों को कन्फर्मल कूलिंग थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग ट्रेडिशनल कूलिंग के अंदर अभी हम लोग बात कर लेते हैं, इनलाइन कूलिंग होगी, उसके बाद है ब्लेड और बफेल कूलिंग। ब्लेड और बफेल कूलिंग देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो ब्लेड और बफेल कूलिंग, देखो इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक पिन लगाई है और यहाँ से मैंने इसको एंट्री कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक और कूलिंग है, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। हेलिकल और द स्पाइरल कूलिंग, भाई देखो ये है हेलिकल और द स्पाइरल कूलिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा हेलिकल और स्पाइरल कूलिंग, ठीक है, ये देखो इसमें एक स्प्रिंग की तरह लगा हुआ, पूरा इस तरह से रोटेट करेगा उसके अंदर और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, ये देखो है कि नहीं, सेंटर से गया वाटर, पूरी तरह से उसको सर्कुलेट करा और आउटपुट निकल जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या है, हेलिकल और इस तरह से बोलेंगे। अब देखो ये हेलिकल सर्किट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे है ये रहा हेलिकल सर्किट नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो चलो मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह से। देखो मैंने जो आपको इनलाइन कूलिंग की बात करी ना अभी, ये रही इनलाइन कूलिंग, देखो इनलाइन कूलिंग यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा है, कैसे इनलाइन कूलिंग देखो, है ना। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक कूलिंग बताऊंगा, तो कूलिंग को आप थोड़ा समझिएगा कि किस तरह से कूलिंग में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। चलिए तो ये कूलिंग के बारे में मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ पर है ना, इसका सेक्शन व्यू काटते हैं भाई पहले, है ना, सेक्शन व्यू काट के देखते हैं। देखो सेक्शन व्यू काटा तो आपको पता चला कि भाई ये जो स्काई ब्लू कलर का जो ये है ना पार्ट, ये क्या है, हमारा कंपोनेंट है ना, ये 2 कैविटी मोल्ड है। कितने कैविटी है भाई, 2 कैविटी मोल्ड है, ये देखो 2 कैविटी मोल्ड है, ओके, ये एक कैविटी हो गया और ये दूसरा कैविटी हो गया, ठीक है। अब देखो जरा इसके अंदर मैंने सेंटर से कूलिंग दिया, मतलब बफेल कूलिंग जिसको मैं बोल रहा था ना, बफेल कूलिंग, तो ये क्या है बेसिकली, ये इंसर्ट है, ये इंसर्ट है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ जरा, ठीक है, देखो ठीक है, और इसको कंट्रोल जे करके इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करा और इसको क्या कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे कर देते, देखो क्लियर है, ठीक है। इसको भी जरा सा मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहेगी भाई, ये देखो ठीक है, यहाँ से जरा इसको हटा देते हैं, ठीक है, देखो इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, देखो क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट लगाया है और कूलिंग किस तरह से हो रही है, इसके अंदर किस तरह से कूलिंग हो रही है भाई, ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन कलर का जो मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से इनलेट होगा भाई, ये इनलेट होगा तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, एरो ले लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी ना, चलो यहाँ से ले लेते हैं एरो, देखो ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसका इनलेट होगा, इनलेट होगा, है ना, उसके बाद फिर ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या करेगा, ये वाटर को सर्कुलेट करेगा सब तरफ, ये देखो सब तरफ वाटर को सर्कुलेट करेगा पूरे चारों साइड पे। अब वाटर को जब सर्कुलेट करेगा तो उसके बाद ये वाटर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर एक और होल है, देखो यहाँ से इसका एक और होल रहेगा, यहाँ से एक और होल रहेगा, तो यहाँ से इस होल से होता हुआ ये कहाँ निकल जाएगा, रेड वाला पॉइंट जो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, है ना। ये है यूनिफॉर्म कूलिंग, मतलब हम लोग जैसा अंदर कूलिंग दे रहे हैं ना, वैसे हम लोग एक बाहर भी कूलिंग दे रहे हैं, लेकिन बाहर कूलिंग जो अंदर हम लोग दे रहे हैं ना, वो स्पाइरल कूलिंग दे रहे हैं हम लोग, देखो एक इंसर्ट क्रिएट करा है, इंसर्ट बना है, ठीक है। अब ग्रीन वाला पोर्शन देखिए जरा, ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ से जाते हैं, है ना, यहाँ से ये कूलिंग गई,
कूलिंग गई, क्लियर है ना, ऊपर से भी दे सकते हैं नीचे से दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से कूलिंग गई, अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ से कूलिंग गई, अब ये क्या होगा, इस तरह से ले लेते हैं देखो, ठीक है, ये देखो है ना, ये यहाँ से मूव करेगा, इधर से मूव करा, इधर से मूव करने के बाद क्या होगा, ये वाटर पीछे से देखो यहाँ से अंदर चला जाएगा, ये वाला प्लॉट दिख रहा है, यहाँ से अंदर गया, फिर इसने इस तरह से सर्कुलेट किया, फिर उसके बाद पीछे जाके देखो जरा, ये इधर से यहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा भाई, यहाँ से अंदर चला जाएगा, फिर ये दूसरी तीसरी नली में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर गया पीछे, फिर ये इसके अंदर से नीचे मूव कर जाएगा, है ना, फिर उसके बाद फिर इधर मूव करेगा, ये देखो इधर मूव करेगा, और यहाँ से वाटर एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ इसका, ये हुआ इसका इनलेट, दिस विल बी द इनलेट, इसको आप इनलेट बोल सकते हो या फिर इसको भी इनलेट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको इनलेट बोल दो, इसको आउटलेट बोल दो, इसको इनलेट बोल दो, इसको आउटलेट बोल दो, वाटर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, आप इसको स्पाइरल कूलिंग बोल सकते हो एक तरह से, नहीं स्पाइरल कूलिंग नहीं, स्पाइरल कूलिंग में क्या होता है, एक हेलिक्स शेप का एक इस तरह से एक वो बनेगा, तो जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करना, इसको भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसको बनाना आसान है मैन्युफैक्चरिंग में, ये क्या होगा, इजी होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, स्पाइरल कूलिंग हो गई, इसका सेक्शन व्यू काट के देख लें एक बार, देखो तो इसमें अगर आपको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको दोनों तरफ कूलिंग नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब हमारा ये कैविटी पोर्शन में भी कूलिंग है, ठीक है, कैविटी पोर्शन में भी कूलिंग है, और हमारा ये कोर पोर्शन में भी कूलिंग है, ये देखो हमारा कोर पोर्शन में भी कूलिंग है, क्लियर हुआ। तो कंपोनेंट को पूरी तरह से कूल कर रहा है ये भाई, कहीं से भी नहीं छोड़ रहा है, हर तरफ से कूल कर रहा है, क्लियर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ओरिंग, क्या बोलेंगे इसको भाई, ओरिंग। और यहाँ पर भी क्या है, ओरिंग, क्यों यूज में लाते हैं इसको हम लोग, ताकि वाटर के लीकेज को रोक सके, अगर वाटर अगर जा रहा है ना भाई, तो इसके इसके कारण वो लीकेज ना हो, है ना, तो वाटर के लीकेज को रोकने के लिए हम लोग ओरिंग का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसी ओरिंग यहाँ पर भी दिख रही है आपको, ये देखो यहाँ पर भी ओरिंग का इस्तेमाल करते हैं भाई, ये जो ओरिंग होती है ना वो स्टैंडर्ड पार्ट होती है, स्टडी पार्ट होती है, ठीक है। चलो भाई, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, फ्रॉम द 1st December इट विल बी स्टार्ट। पहले आप 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस पेड करके 2 दिन का पहले लाइव क्लास लेके देखिए, अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो ये आगे की फीस पेड कीजिएगा, ओके। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, देखो जरा, ठीक है भाई, ज्वाइन कर सकते हो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ओके। वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.educationhood.com, और दूसरों को हमारा चैनल शेयर कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।